हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। अभी हम लोग जीओसी 1 का लेक्चर 5 पे है। आज हम लोग बात करेंगे एसडी के स्ट्रेंथ के बारे में। एसडी के स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है उसको कंपेयर करते हैं। एसडी के स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमने देखा था कि वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अनायन हमने देखा था, उसको कैसे अप्रोच करते हैं स्टेबिलिटी को, कब इफेक्ट लगाना है, कब हमें ईएन सोचना है। तो आज तो ईएन का भर के यूज होगा, ठीक है। अनायन का स्टेबिलिटी आ गया चेक करने, और बताया था कि अनायन का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भाई भाई कॉन्सेप्ट वाला जो ट्रिक बताया था कि नेगेटिव का अनायन चेक करना है, और नेगेटिव का स्टेबल करना है तो माइनस आई लगाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाले को कार्बोकैटायन का स्टेबल करना है तो प्लस आई लगाया या प्लस एम लगा के स्टेबल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एसडी के स्ट्रेंथ का बात करते हैं। अनायन का स्टेबिलिटी चेक करके एसडी के स्ट्रेंथ का स्टेबिलिटी सेम आता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जिसको अनायन का स्टेबिलिटी आ गया उसको एसडी के स्ट्रेंथ का भी स्टेबिलिटी आ जाता है, एसडी के स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाता है। और तीन चार ऑर्डर है, हमें याद रखना पड़ता है ताकि क्वेश्चन को फास्टली कर सके। कॉन्सेप्ट तो है उसका, ठीक है, लेकिन उसको याद करने का भी ट्रिक बताएंगे कैसे उसको याद रखा जा सके ताकि जल्दी से बन जाएगा एग्जाम में। इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब लग रहा है, कहीं पे इनऑर्गेनिक कभी ऑर्गेनिक ज्यादा हो जा रहा है। तो ये सब चीजें ध्यान में, थोड़ा सा तीन चार बातें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। स्टेबिलिटी का बात में ध्यान में रख के चले थे, ठीक है। तो इसी तरह से चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले कि एसिडिक का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड वो होता है जो H+ डोनर होता है और OH- एक्सेप्टर होता है और लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एसिड मतलब वो होता है जो H+ दे देगा, वो एसिड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम वो करेंगे ना कि H+ ऑर्डर का, H+ को तो हटाना नहीं है, H+ को हटाएंगे तो H+ डोनर होगा। तो H+ हटाओ और वो अनायन बनेगा। मैंने बताया था अनायन का स्टेबिलिटी बताया हुआ है, अनायन का स्टेबिलिटी चेक करो, वही जो ऑर्डर आएगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। और जनरल सा बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अनायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अनायन का स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्स होता था, और विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, के डायरेक्ट और पी के जो होता है लॉग पी के, ये सब लॉग वगैरह निकालते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो उसमें इन्वर्स हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। देखो जैसे कि ये कोई एक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे एक H+ हमने निकाल दिया और जो A- बचा उसी को कंजुगेट बेस कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेगा, हमने बताया कि अनायन का स्टेबिलिटी चेक करना है ना, वो अनायन कौन सा होता है, कंजुगेट बेस होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है। इसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और है जो हमेशा हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ जाता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लग पाता, ठीक है, अनायन का स्टेबिलिटी का नहीं हो पाता। तो उसके कारण ये एक अलग से तरीका याद करने का। देखो सबसे ज्यादा होता है पिक्रिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, इसको फेनोलिक एसिड भी कहते हैं, फेनोलिक एसिड भी से कहा जाता है, इसको फेनॉल कहते हैं, इसको वाटर, फिर उसके बाद इथाइल अल्कोहल, फिर टर्मिनल अल्काइन। ये हमें एक और जगह काम आ सकता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन जो आता है एग्जाम में भी आता है, तो एसिड बेस रिएक्शन का जो होता है उसमें भी इसका हमें काम आ सकता है, इसलिए ये याद कर लेना, ठीक है। इसका याद करने का ट्रिक है पप्पू, फिर बनारस आकर पास वाले एग्जाम की तैयारी करेगा। पप्पू से पिक्रिक एसिड, फिर से फॉर्मिक एसिड, बी से बेंजोइक एसिड, आकर मतलब एसिटिक एसिड, कर मतलब कार्बोनिक एसिड, आकर कार्बोनिक एसिड, फेनॉल से पास, वा से वाला, एग्जाम मतलब इथाइल अल्कोहल, टर्मिनल अल्काइन मतलब तैयारी। तो हमें ये याद रख लेना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ क्योंकि याद रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ याद करना पड़ता है, उसके लिए मैंने ट्रिक भी बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता इसमें।
एसडी के स्टैंड का एक और ऑर्डर उठ के आता है, इसका इसका रीजन बताएंगे लास्ट, मतलब अंतिम में, वीडियो के अंत में। अभी के लिए याद रख लो, पैम पॉम सबसे ज्यादा होता है, पैरा, और उसके बाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल का तो स्ट्रक्चर आता है ना ये वाला, इसमें ऑर्थो पे लग जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे लग जाएगा तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा पे लग जाएगा तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये मेटा हो जाएगा, और सबसे अंत में फिनॉल एसडी के स्टैंड। ठीक है, तो इसको याद रख लो किससे, पॉम से। अब है, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो एच प्लस हटाओ, यहाँ एच प्लस हटाएंगे तो क्या बनेगा, CH3-, यहाँ पे एच प्लस हटाएंगे तो NH2-, कंजुगेट ऐसी कंजुगेट बेस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, NH2-, यहाँ हटाएंगे तो OH-, एच प्लस हटाओ, यहाँ पे F-। अब देखो मैंने अनायन का स्टेबिलिटी बताया था, अनायन का स्टेबिलिटी पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, पीरियड में क्या देखेंगे, EN, पीरियड में EN देखते हैं ना, तो EN बढ़ेगा तो मतलब स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एफ माइनस एच प्लस हटाओ, एच प्लस हटाओ सी एल माइनस आ जाएगा, एच प्लस हटाओ बी आर माइनस आ जाएगा, एच प्लस हटाओ आई माइनस आ जाएगा, इसको भी हटाओ एफ माइनस आ जाएगा। अब ये डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा, मतलब एसिडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। समझ में आया बात, समझ में आया सभी सभी एग्जांपल समझ में आया दोनों, बस यही एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कैसे तुम्हें अप्रोच करने आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जो कि क्या लगा रहा होगा, माइनस आई लगा रहा होगा। ठीक है, ये माइनस आई लगा रहा होगा यहाँ पे। अब बताओ, अब इसको एच प्लस हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस ओ माइनस ओ माइनस। अब सबको भूल जाओ, अब अनायन का स्टेबिलिटी चेक करो, अनायन को कौन स्टेबल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, माइनस को माइनस से स्टेबल कर रहा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, इस कारण ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका ये इफेक्ट और ये अनायन का स्टेबिलिटी वही होता है जो एसडी के स्टैंड का स्टेबिलिटी होगा। समझ में आया बात, इसमें एच प्लस हटाओ अनायन बनाओ, एच प्लस हटाओ अनायन बनाओ। देखो इसमें एक प्लस आई लग रहा है, इसमें दो प्लस आई लग रहा है, और इसमें तीन प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल जिसमें एक प्लस आई लग रहा है ना, क्योंकि कम प्लस आई, कम प्लस वाला कम स्टेबल करेगा। ठीक है, कम प्लस वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कि यहाँ पे मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, सबसे पहले देखो कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अब देखो अब रिंग वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले देख लो कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सी ओ एच, यहाँ पे ओ एच ओ एच, तो ये तो फिक्स है कि एसिड जो होता है उससे अल्कोहल का तो ज्यादा, अल्कोहल का कम होता है, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होता है अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल का कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई, क्योंकि मेटा पे प्लस है, माइनस एम तो लगता नहीं है, यहाँ पे प्लस आई, किसका ज्यादा हो जाएगा इसका, अरे यहाँ पे अनायन बनाओ, यहाँ भी अनायन बनाओ, यहाँ भी एक मिनट को, एच प्लस हटा अनायन बना, एच प्लस हटा अनायन बना, एच प्लस हटा अनायन बना, एच प्लस हटा अनायन बना। अब अनायन का स्टेबिलिटी चेक करो ना, पिछले लेक्चर में बताए थे, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई, तो इसका ज्यादा होगा, कुछ नहीं लग रहा है तो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको अप्रोच करना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाओ, माइनस 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 हटाते क्यों है, तो दिमाग में ही सोच लो ना, नेगेटिव यहाँ बनेगा। अब साइनाइड है तो साइनाइड का करता है, साइनाइड का माइनस आई लगता है, इसका माइनस आई ज्यादा होता है, फ्लोरीन का माइनस आई लगता है, लेकिन माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये प्लस आई लगाएगा, इसीलिए ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो एक मिनट, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले कि इसमें फ्लोरीन है, देखो सबसे पहले तो ये सी ओ एच ग्रुप है, तो इसका तो ज्यादा हो जाएगा, इसके पहले ऐसे ही ज्यादा हो गया, इस दोनों में कंपेयर करो तो इसमें माइनस आई लग रहा है, माइनस आई लग रहा है,
क्या लग रहा है? माइनस आई, इस कारण इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस बनाओ, एच प्लस हटाओ, माइनस बनाओ, एच प्लस हटाओ, माइनस बनाओ, इसमें तीन तीन माइनस आई, इसमें दो, इसमें सॉरी एक माइनस आई, एक माइनस आई, दो माइनस आई, तीन माइनस आई। तो जिसमें माइनस आई ज़्यादा है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा मतलब एच डी का स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए सी का सबसे ज़्यादा, फिर बी का सबसे कम, ए का। यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से अनायन बनाओ, यहाँ भी अनायन बनाओ, एच प्लस हटाओ, अनायन बनाओ। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर क्या करता है, माइनस आई लगाएगा और ये वाला क्या लगाएगा, माइनस आई। ठीक है, अब ये दोनों माइनस आई लगा रहा है ना, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये मोडियन है। ठीक है, ये लोन पेयर का बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, माइनस आई होगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आई, लेकिन ये पास में, इसीलिए माइनस आई ज़्यादा लगाएगा। इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर ए का, फिर सी का। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब ये थोड़ा सा टचीला क्वेश्चन है यार। देखो, कहीं ओ एच और सी ओ एच एक साथ आ जा रहा है ना, सी ओ एच ओ एच, तो थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना कि एसिड के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। ये तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये एसिड है और ये कोई दूसरा चीज़ है, लेकिन ये अल्कोहल है तो इसका तो ज़्यादा होगा एसिड से। ठीक है, और ये फ्लोरीन का माइनस आई क्या होता है, ज़्यादा, ये एन एफ थ्री का माइनस आई ज़्यादा होता है, इसका माइनस आई इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये सी ओ एच तो लगा हुआ है सब में, लेकिन इसमें इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, ये भी सी ओ एच है लेकिन इसका माइनस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है, दोनों में माइनस आई लग रहा है, इसका माइनस आई ज़्यादा होता है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये माइनस आई लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है, माइनस आई, अरे एच प्लस हटाओ, नाइन यहाँ पे बनेगा, यहाँ भी एच प्लस हटाओ, अनायन यहाँ बनेगा, एच प्लस हटाओ, अनायन यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे दो माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है, तो इसका किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका, सॉरी, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, इस कारण इसका कम हो जाएगा ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, एच प्लस हटाओ, अनायन बनाओ, एच प्लस हटाओ, एनायन बनाओ, एच प्लस हटाओ, एनायन बनाओ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टार टिपो, इधर से इधर जाएंगे तो ओल्ड स्टार से साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, इधर से इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। नाइट्रोजन का ई एन कम होता है ऑक्सीजन से, तो ई एन कम मतलब स्टेबिलिटी कम, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें है 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसका याद करने का भी ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, क्या क्या चीज ट्रिक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे जो मैलिक एसिड होता है, एक मेलोनिक एसिड होता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैलिक एसिड का हम बात कर रहे हैं। ये जो मैलिक एसिड है, ये जो मैलिक एसिड है, इसका अब सबसे पहले तो H प्लस हटाओ, अनायन बनाओ, H प्लस हटाया हमारे पास और ये अनायन बना, यहाँ भी H प्लस हटाया, ये अनायन बना, और ये फ्यूमेरिक एसिड है अपना। ठीक है, ये फ्यूमेरिक एसिड है, ये मैलोनिक एसिड, मैलिक एसिड को MS से डिनोट करते हैं, फ्यूमेरिक एसिड को FS से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि फर्स्ट Ka1 हम पता है ना, Ka1 और Ka2, फ्यूमेरिक एसिड का Ka2, Ka1 हमेशा मैलिक एसिड का ज़्यादा होता है। ठीक है, एक और इससे H प्लस निकालेंगे तो Ka2 बन जाएगा, एक और इससे फिर से फर्दर इसको H प्लस निकालेंगे तो फिर Ka2 बन जाएगा, तो उस समय क्या होता है कि फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा हो जाता है मैलिक एसिड से। देखो, सबसे पहले जो हम लोग किसी आदमी का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका सेवन कौन करता है, माँ। ठीक है, तो एम माँ से क्या हो जाएगा, MA, तो Ka1 सबसे पहले कौन सेवन किया, सेवा कौन किया सबसे पहले, माँ, तो सबसे पहले वन Ka1 क्या आ जाएगा, MA से, उसके बाद कौन करता है, फादर, फादर क्या, FA, तो सबसे पहले माँ, उसके बाद फादर, तो Ka2 के लिए FA, तो फ्यूमेरिक एसिड Ka2 का ज़्यादा होता, फ्यूमेरिक एसिड का ज़्यादा होगा Ka2। ठीक है, PAK का एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाएगा इसका, इसको उल्टा कर दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का आ जाएगा,
समझ में आया? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे देखो कि ऑक्जेलिक एसिड, हम लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स गैप, ओम्स गैप पढ़ा है, ठीक है। ये जो ओम्स गैप होता है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एटबिक एसिड और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड नहीं, क्या होता है, छोड़ो। तो यहाँ पे एडिपिक एसिड तक हम लोग का काम है, तो एडिपिक एसिड तक बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 ग्रुप क्या लगाएगा, प्लस आई भयंकर लगाएगा, बहुत ज्यादा प्लस आई लगा रहा है। यहाँ पे प्लस आई थोड़ा सा कम लगा रहा है, प्लस आई थोड़ा सा कम लगा रहा है, इसमें थोड़ा सा कम और कम, सबसे कम यहाँ पे माइनस आई लगने लगा, ठीक है। इस कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैंने सारा रीजन भी लिख दिया, जिसको जरूरत हो अपना देख लेना इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद रखो कि हमेशा सल्फोनिक एसिड का ज्यादा है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फेनॉल, फिर अल्कोहल, ये तीनों तो हमें याद हो ही गया है। वो वाला जो ट्रिक था, पप्पू फिर बनारस जाकर पास वाले एग्जाम का तैयारी करेगा, उसे एग्जाम्पल हम लोग याद कर लेंगे। सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, क्योंकि इसमें बेटर रेजोनेंस होता है, और क्वांटिटी और क्वालिटी इसमें दोनों मैटर करता है। इसमें क्वालिटी भी रेजोनेंस होता है और क्वांटिटी भी रेजोनेंस होता है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी रेजोनेंस होता है, क्वालिटी रेजोनेंस नहीं होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है। पिक्रिक एसिड स्क्वारिक एसिड से ज्यादा होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फेनॉल, अल्कोहल। देखो ये सब जो एग्जाम्पल अगर याद हुआ ना, तो तुम्हें एसिडिक एसिड और एसिड बेस रिएक्शन जो होता है कि आगे जाता है पीछे जाता है, कौन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, कौन रिएक्शन फिजिबल होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो GOC2 में स्टार्ट होगा, एसिड बेस रिएक्शन, सारा रिएक्शन तो उसमें GOC2 में बताया जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ पे 18 क्वेश्चन में देखो कि CH3 है, CD3 है, सब में प्लस एच लिखा है, लेकिन प्लस एच का इफेक्ट हमने बताया था, प्लस एच का इफेक्ट मैंने बताया था क्या, CH3 का ज्यादा हो, फिर उसके बाद CD3, उसके बाद CT3 का सबसे कम, इसीलिए प्लस एच ज्यादा हो जाएगा तो ये जो अनायन बनेगा उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो प्लस एच इसका ज्यादा होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका कब से कम होता है, इसका बहुत ही कम होता है, इस कारण बहुत ही कम हो रहा है ना इसका, इस कारण इसका एसडी का स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO3H। देखो अब इस क्वेश्चन में देखो कि ये सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने बताया कि सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा हो गया, ठीक ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, तो ये अनस्टेबल करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा तो स्टेबल करेगा। ये देखो यहाँ पे ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है, ये तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बस ग्रुप देखना है, आंसर आ जाएगा, ग्रुप अगर सेम रहा तो इफेक्ट देख के काम चलाना है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट का बात करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, या उसका ऑर्थो इफेक्ट का रीजन होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब इसका बहुत सारा बातें होते हैं, बहुत सारा थ्योरी होता है, तुम सिंपल सा एक लाइन याद रखना है, बाहर का अंदर से क्या रुका, रेजोनेंस, क्या रुका, बाहर का अंदर से रेजोनेंस रुका, बाहर का अंदर से रेजोनेंस रुका, क्या याद रखो, बाहर का SIR का मतलब बाहर का अंदर से रेजोनेंस रुका। मतलब इसमें ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन मेटा या पैरा आइसोमर। देखो जो भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड का बात कर रहे हैं, कोई और नहीं, सिर्फ बेंजोइक एसिड का, तो वो जो होता है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड ज्यादा स्टेबल होता है मेटा से या फिर पैरा से। ठीक है, तो इसमें आप बात करते हैं कि इसमें देखो ये ऑर्थो पे लगा है ग्रुप,
यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी मेटा ऑर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पे पैरा वाला से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वे पैरा वाला से ज़्यादा हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है? तुम सिंपल ये दो लाइन याद रखना, क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है? देखो क्या होता है कि स्टेरिक, इसका रीजन होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन के कारण रेजोनेंस रुक जाता है, मतलब बाहर के अंदर से रेजोनेंस रुका, मतलब स्टेरिक। ये क्या होता है, ये जो एक ट्रायंगुलर ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर ग्रुप होता है और ये एक कोई बल्की ग्रुप होता है, कोई भी बल्की ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है, या आर ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। तो इसके कारण क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन होता है दोनों में, इस दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, जिसके कारण इसका जो प्लेन होता है, इसका प्लेन जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसका प्लेन रिंग से अलग हो जाता है, जिसके कारण रेजोनेंस रुक जाता है, ठीक है। बल्कि ग्रुप होना चाहिए, जैसे COH NO2 होना चाहिए, इस टाइप का ट्रायंगुलर ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, चलो देखो, अब SIR का जो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ये तो डेफिनेशन कहने की हो गया कि अगर कोई भी बल्की ग्रुप होगा ऑर्थो पोजीशन पे विथ रिगार्ड टू ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप, देन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ट्रायंगुलर बल्की ग्रुप गोज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, दैट्स व्हाई रेजोनेंस ऑफ द रिंग एंड ट्रायंगुलर ग्रुप डिक्रीजेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको कैसे समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि ये एक ग्रुप लगा हुआ है ट्रायंगुलर ग्रुप, ठीक है, और ये ट्रायंगुलर ग्रुप बल्की ग्रुप है, ट्रायंगुलर ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस एम दे रहा है, इसको प्लस एम लगा रहा है, ये जो रिंग है इसके कारण प्लस एम लग रहा है, जिसके कारण ये लेस स्टेबल है हो रहा है, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और लेस स्टेबल। और जो लेस स्टेबल होता है ना, देखो सिंपल सा समझो ऐसे कि ये इस पे लिया, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, ये इसको लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या हो रहा है कि अब इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग स्टेबल करते हैं ना, कैसे स्टेबल करते हैं, इस नेगेटिव को प्लस वाला देगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ जाएगा ना, और ज़्यादा इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण लेस स्टेबल हो जाएगा और लेस स्टेबल अनायन ही लेस एसिडिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस एम नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसमें रेजोनेंस रुक गया, मतलब SIR इफेक्ट लग गया इसमें। इसमें कौन सा इफेक्ट लग गया? SIR, जिसके कारण ये मोर एसिडिक होता है। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के कारण क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और जितना, और ये ग्रुप जितना ज्यादा बल्की होगा ना, उतना ज्यादा SIR होगा, उतना ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसका एग्जांपल करते हैं कुछ। ऐसे इसका एग्जांपल है पहला, यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे SIR इफेक्ट लग रहा है, SIR इफेक्ट तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद NO2 का माइनस एम, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, सिर्फ माइनस एम नहीं होता मीजो पे, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे CH3 है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 पे प्लस आई लग रहा है और प्लस एच भी लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा है लेकिन प्लस एच नहीं लग रहा है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? यही तो गलती हो जाता है ना सबसे, यहाँ पे देखो SIR इफेक्ट लग रहा है, होना तो चाहिए था प्लस आई भी लग रहा है इसमें, प्लस एच भी लग रहा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि इसमें प्लस एच लगेगा ही नहीं ना, प्लस आई लगेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको, हमको SIR इफेक्ट लग रहा है जिसके कारण इसका प्लेन चेंज हो गया, रेजोनेंस रुक जाएगा, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन तो सेम ही बात है ना, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SIR इफेक्ट लग जाएगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो जाएगा। इसमें प्लस एच नहीं लग रहा है, इसमें प्लस एच भी लग रहा है और प्लस आई भी लग रहा है, दोनों चीज लग रहा है, इसमें सिर्फ प्लस एच नहीं लग रहा है, इसमें प्लस आई लग रहा है, तो थोड़ा सा कम इसको इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा ना इसमें, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है तो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, इसमें ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है, कैसे तुम्हें अप्रोच करना है सारा क्वेश्चन को, तो
जैसे ऐसे कह रहा है ना, कल का सारा एग्जाम्पल एक बार खुद से मेरा वीडियो के साथ 2 बार वीडियो देख लेना बस, और कुछ नहीं, बस 2 बार एक बार साथ में बना लेना भाई, तेरा जीओसी 1 इतना बढ़िया हो जाएगा ना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ यार कुछ तो था इस वीडियो में, ठीक है। चलो और ये वीडियो भी इसको 2 बार कम से कम बना लेना अपने आप से, सारा क्वेश्चन कोई भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस एसडी बेसिक स्ट्रेंथ निकालना होना चाहिए और फिर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट उससे काम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 24 क्वेश्चन में यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे मोर 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 क्या है, मोर मोर इसमें मोर है महाबल की ग्रुप, इसको लिख लो महाबल की ग्रुप, महा बल की ग्रुप, ठीक है। महाबल की ग्रुप में एसडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसमें भी एसडी की स्ट्रेंथ है, दोनों में एस आई आर लग रहा है, एस आई आर ऑकर्स इन बोथ बट मोर इन फर्स्ट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। अब यहाँ देखो कि ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा तुम्हें दिल का धड़कन तेज हो सकता है, इसीलिए शांति से समझ लो इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले कि कॉन्जुगेट बेस हमें बनाना है, कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद हमें आगे का ऑर्डर चेक करना होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस बनाओ, पहले कॉन्जुगेट बेस बनाया तो ये मेरे पास आया, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया तो ये आया, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस, ये आया, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे इधर भी OH है, इधर भी OH है, जिसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, वो भी इंट्रा मॉलिकुलर, भाई इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इस जो कंजुगेट बेस हमें बना, पहले नहीं हो रहा था, पहले नहीं हो रहा, कंजुगेट बेस बनने के बाद एच प्लस जब ही निकला तभी दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। और जिसके कारण मोर स्टेबल कंजुगेट बेस बन रहा है, और मोर स्टेबल कंजुगेट बेस ही एसिडिक स्ट्रेंथ मोर हो जाएगा, जितना ज्यादा कंजुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मोर, इसमें भी थोड़ा सा स्टेबल कंजुगेट बेस बना, इसीलिए एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक हो जाएगा इन द सेम वे, ठीक है, इस कारण इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे इसको सोच के चलो, देख रहे हो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या यूज हो रहा है, दो तो जगह तुम्हें कंफ्यूजन आ सकता है कि कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसडी के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसडी के स्ट्रेंथ घट जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 27 क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसडी के स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, ठीक है। तो ये सब, ये दोनों चीज को हम नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, लास्ट स्लाइड में हम इसे बात करेंगे, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन में क्या है, 26 क्वेश्चन में है OH है CH3 है, OH है CH3 है, OH और CH3। अब यहाँ पे एस आई आर मत लगा देना क्योंकि OH ग्रुप है, COH ग्रुप नहीं है, या NO2 ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस एच लगेगा और प्लस आई भी लगेगा, ठीक है ना, प्लस आई भी लगेगा, प्लस एच भी लगेगा, जिसके कारण और यहाँ पे प्लस आई लगेगा, लेकिन प्लस आई कम लगेगा, इसमें प्लस एच लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लगेगा, समझ में आया बात। और यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ प्लस आई लगेगा, इस कारण इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आई कम लगेगा, इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है, दोनों लग रहा है, यहाँ भी दोनों लग रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस आई ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ज्यादा लगेगा तो इसका स्टेबिलिटी को कम करेगा ना, ठीक है। प्लस एच प्लस आई इसमें ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इस कारण। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने बताया था पिछला स्लाइड में, मैंने बताया था कि पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल और फिनोल के बीच में कैसे एसिटिक स्ट्रेंथ होता था, ठीक है। तो हमें बताया था कि पोम से याद रखो, पोम POM, पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और लास्ट में फिनोल, ठीक है। तो इसमें पैरा नाइट्रोफिनोल में, पैरा नाइट्रोफिनोल में तो
माइनस एम इसमें भी लग रहा है, इसमें भी माइनस एम लग रहा है, ये बात सही है। यहाँ पे माइनस आई लगेगा, माइनस एम नहीं लगेगा, ठीक है ना। देखो दोनों केस में माइनस एम लग रहा है, लेकिन दोनों केस में माइनस एम सेम है क्योंकि डिस्टेंस इनडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे माइनस एम लग रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इफेक्ट के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है और ये एच प्लस बाईस एम निकल ही नहीं पा रहा है। पहले ही इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन देखा, ऑक्सीजन देख रहा, फोन है, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। जिसके कारण माइनस एम इफेक्ट तो सेम है दोनों में, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एच बॉन्डिंग के कारण एच प्लस रिलीज ही नहीं हो पाया, जिसके कारण एच डी का स्ट्रेंथ इसका एच डी का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। इस कारण समझ में आया, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा था, आराम से एच प्लस निकलेगा और कंजुगेट बेस बन के माइनस एम के द्वारा स्टेबल कर देगा, लेकिन यहाँ माइनस एम तो हो रहा है लेकिन एच प्लस ही नहीं निकल रहा, इस कारण इसका एच डी का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। समझे, बताओ समझे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो तुम बी क्वेश्चन ट्राई करो। सबसे पहले बी क्वेश्चन में देखो कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटाएंगे तो अनायन यहाँ बनेगा, ठीक है। ये अनायन स्टेबल होगा या ये अनायन स्टेबल होगा, कौन, ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है। इसका अनायन बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये स्टेबल हो रहा है ना। यहाँ पे बनेगा तो अनस्टेबल होगा क्योंकि दूर है ना, कुछ हो गया ना, यहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा है ना इस कारण, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ए क्वेश्चन, ए नंबर देखो, ए नंबर में देखो, सारा को निकाल के दिखाते हैं फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आए क्या है, क्या तीन केस में बनता है ना। देखो सबसे पहले माइनस बीटा निकाल दिए, बीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, ठीक है। अल्फा निकाल दिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। और गामा निकाल दिए तो अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल अनायन, मतलब अनायन क्या है, कंजुगेट बेस ही है ना, इसका मतलब मोर एसिडिक, ठीक है। और एसिडिक करेक्टर देखें, एसडी का स्ट्रेंथ दोनों का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसडी का स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो सबसे पहले बीटा का आ जाएगा, उसके बाद गामा का आ जाएगा, उसके बाद अल्फा का आएगा, क्योंकि अल्फा का क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव पे ही ये है यहाँ पे, तो ये बहुत भयंकर अनस्टेबल होता है, याद रख लो बात को, बहुत भयंकर। ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर टाइप का एग्जाम्पल करा देना है। हाँ अब लास्टली ये बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है एसटी के स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, एसडी के स्ट्रेंथ को कैसे डिक्रीज करता है। देखो जैसे कि हमने बात कर लिया एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटर बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड का, ये बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटर बेंजोइक एसिड है, और ये फिनॉल का बात कर दिए, नाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जैसा कि हमने सारा चीज समझ चुका है इसके बारे में। अब इसके बारे में कंपैरिजन में समझते हैं कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, कहाँ इंक्रीज होता है। देखो जैसे कि यहाँ पे H प्लस निकले, ठीक है, पहले तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा था, अब जब ही H प्लस निकला तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो इसका कंजुगेट बेस बनता है ये मोर स्टेबल कंजुगेट बेस बनता है, ड्यू टू लीड्स टू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, ठीक है, जिसके कारण मोर एसिडिक, ठीक है। अब इस केस में बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक मिनट, वेट वेट वेट, हाँ अब इस केस में जो बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है,
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ही हो गया, एच प्लस निकल ही नहीं पाया, तो यहाँ पे लिखो कि एच प्लस हाइड्रोजन ट्रैप्ड, हाइड्रोजन ट्रैप्ड ड्यू टू एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ट्रैप्ड ड्यू टू एच बॉन्डिंग एंड नॉट एबल टू, नॉट एबल टू डोनोट सो लेस एसिडिक, ठीक है। तो इसका ये रीजन होता है, समझ में आया बात, दोनों में क्या कंपेरिजन है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो यही तक था हमारा यहाँ का आज का वीडियो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखो, अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक रिव्यू देख लेते हैं। एक रिव्यू देख लो, एक रिव्यू देखते हैं, चलो क्या क्या हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं और क्या हमें बाकी है। सबसे पहले जीओसी वन हम लोग स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें हम लोग दो चीज, एक तो इफेक्ट पढ़ते थे, इफेक्ट पढ़े, और इसका इफेक्ट पढ़े कौन कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को यूज करते हुए कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखे, कार्बोनायन का स्टेबिलिटी देखे, और एसिडिक स्ट्रेंथ देखे और बेसिक स्ट्रेंथ देखे, समझ में आया। और इसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ में एक तो एसआईआर इफेक्ट आएगा, आया था, और एक तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये अभी बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसको बेसिक स्ट्रेंथ ही कम पे डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़े थे एक तो रेजोनेंस का 6 केस पढ़े थे, 6 या 7 केस पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, पाई चार्ज, ये नॉक्टेट अपोजिट चार्ज, ये सब था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बॉन्ड लेंथ, पढ़े थे रेजोनेंस में ही बॉन्ड लेंथ में। उसके बाद एरोमेटिसिटी पढ़े थे, एरोमेटिसिटी पढ़ के हमने खत्म कर दिया था रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद चले थे मीजोमेरिक इफेक्ट में, मीजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हो चुका था, फिर कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ खत्म करके एक तो टॉटोमेरिज्म पढ़ लेंगे, टैटोमरिज्म, और एक लेक्चर जो होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे इसको समाप्त करेंगे, ठीक। तब तक के लिए चलो, ठीक है। तो अब इसको यार देखो, इसको अच्छे से पढ़ लेना तुम, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।